हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वातीज कॉर्नर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो पीस लिलीज के जो ब्लूम्स हैं वो ग्रीन क्यों हो जाते हैं उस पर है। मेरे यहाँ भी जो पीस लिली अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर बनाया था वीडियो, वो भी थोड़ा ग्रीन होने लगा। तो मैंने सोचा ये ग्रीन क्यों टर्न हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में आपके साथ भी शेयर करूं। ये देखिए, ये ब्रैक्ट है, ये बिल्कुल ग्रीन टर्न हो गया है। तो पीस लिलीज फ्रेंड्स जो है लो लाइट कंडीशंस को प्रेफर करते हैं, और जब पीस लिलीज को बहुत ज़्यादा लाइट मिलने लगती है, अब देख रहे होंगे मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है थोड़ी सी, तो इससे क्या होता है कि इनके ब्लूम्स जो हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो प्लांट है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने लगता है स्ट्रॉन्ग लाइट में, जिससे कि ग्रीन पिगमेंट बनने लगता है उनमें ज़्यादा। ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल, अगर आप जानते होंगे, तो वो ज़्यादा बनने लगता है। इस वजह से जो ब्रैक्स है वो ग्रीन टर्न हो जाते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये हाई हीट और लो लाइट के लिए वेल एडॉप्टेड है, तो हमें इसे लो लाइट में ही रखना चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया कि एनपीके देते रहना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि मेरे यहाँ इसको आए हुए इस फ्लावर को लगभग एक महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो जो स्पेथ है वो ग्रीन कलर का होने लगा है। मेरे यहाँ ज़्यादा तो लाइट नहीं आती है नीचे, तो ये श्योर है कि ये ज़्यादा लाइट की वजह से ऐसी कंडीशन नहीं आई है। ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये इस कारण से नहीं है, ये एक्चुअली में मेरे यहाँ एजिंग की वजह से ऐसा हुआ है। जब फ्लावर बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं तब क्या होता है कि धीरे धीरे एक ग्रीनिश हिंट आने लगता है, और ग्रेजुअली जो स्पेथ है वो ग्रीन कलर का होने लगता है। दिस ऑल्सो इज ड्यू टू क्लोरोफिल। तो प्लांट्स जो है सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और क्योंकि जो स्पेथ है ये एक लीफ का ही प्रकार है, इसलिए ये लीफ जैसे ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, तो इस कारण से जो क्लोरोफिल है वो इसमें बनने लगता है, और लाइट एब्जॉर्ब करके जो स्पेथ है वो ग्रीन टर्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके ग्रीन होने पर हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप इसको वापस लो लाइट कंडीशन में रख दीजिए। अगर ये अभी अभी ब्लूम हुआ है आपके प्लांट में, और अगर काफ़ी दिन हो चुके हैं, जैसे कि मेरे यहाँ ये 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, तो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग है। और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो सिंपली आप इसको ये जो ग्रीन कलर का आपको ब्लूम दिखाई दे रहा है इसको बिल्कुल नीचे से आपको रिमूव कर देना चाहिए। और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मुझे नहीं है, तो आप इसको प्लांट पे लगे रहने दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी नई नई जानकारियाँ लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।